बोस्टन में एक क्रूज बोट पर हो रही शादी की पार्टी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब क्रूज बोट पानी में चलते चलते रेत में धंस गई। बोट पर करीब 152 लोग सवार थे। बाद में कोस्ट गार्ड की मदद से सभी लोगों को बोट से सुरक्षित निकाल लिया गया। इटली नेवी का एक जहाज कल 45 प्रवासियों के शव लेकर रेगियो कैलब्रिया पोर्ट पहुंचा। शनिवार को भूमध्य सागर में प्रवासियों की नाव डूब जाने के बाद इटली नेवी ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस तरह के हादसे में पिछले एक हफ्ते में करीब 700 लोगों की मौत हो चुकी है। सोशल मीडिया पर इन दोनों एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है। दावा है कि इस वीडियो में टर्की बॉर्डर के पास सीरियाई सेना और ISIS के बीच लड़ाई के विजुअल्स हैं। पिछले दो दिनों में इस लड़ाई में 27 लोगों और ISIS के करीब 40 लड़ाके मारे जा चुके हैं। लंदन के डेविड वियर 3 मिनट में 1 मील की दूरी तय करने वाले दुनिया के पहले व्हीलचेयर एथलीट बन गए हैं। डेविड वियर ने यह कारनामा रविवार को लंदन मैराथन में कर दिखाया। डेविड इससे पहले 6 बार लंदन मैराथन चैंपियन रह चुके हैं। दक्षिणी यमन के शबवा इलाके में यमन की सेना और हौदी विद्रोहियों के बीच हुए संघर्ष में करीब 20 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। संघर्ष की शुरुआत हौदी विद्रोहियों द्वारा किए गए एक सरकारी अधिकारी पर हमले के बाद हुई। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसवा ओलांद ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वर्धन की लड़ाई में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। तकरीबन 11 महीने जर्मनी और फ्रांस के बीच चली वर्धन की लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध की सबसे लंबी लड़ी गई लड़ाई मानी जाती है। इस लड़ाई में 3 लाख सैनिक मारे गए थे। जर्मनी के हॉपस्टेडन में चल रहे बच्चों के एक फुटबॉल मैच में आसमानी बिजली गिरने से 30 बच्चे झुलस गए। 9 से 11 साल के बीच के सभी घायल बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उत्तरी फ्रांस में हुई इस तरह की एक और घटना में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूक्रेन में 2 मंजिला इमारत में आग लग जाने से 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। इस इमारत में बुजुर्गों के लिए केयर होम चलाया जाता था और इसमें करीब 35 बुजुर्ग रहते थे। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। रूस में चैरिटी के लिए आयोजित की गई दौड़ में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान इकट्ठा किए गए करीब 5,60,000 डॉलर गरीब बच्चों के इलाज में खर्च किए जाएंगे। इस दौड़ में कई मशहूर एथलीट भी हिस्सा लेने पहुंचे। चीन से भूस्खलन का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो को एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। इन दिनों दक्षिणी चीन में हो रही भारी बारिश यहां रहने वालों के लिए आफत बनी हुई है। जगह जगह हो रहे भूस्खलन से लोग परेशान हैं।